Hey, what's up guys? This is your pro bros Dan Ali. Level 1 Day 6 आज हमारा एंजॉय है। आज हमने एक किस्म का वर्कआउट करना भी है और नहीं भी करना। और अगर सैटरडे है, सैटरडे नाइट आप लोग जो सा है लास्ट वर्कआउट जो है आपका सैटरडे का बना करेगा। और अगर किसी लड़की ने चीट मील की तो मैं शराब देता हूँ उसको कि उसको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। चीट मील कम से कम 15 दिन आपने चीट मील से दूर रहना है। और अगर चीट मील करेंगे तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना नीचे, ताकि मैं भी फिर उसी से भी कोई चीट मील कहूँगा। आप लोगों को पता है मैं कितनी चीट मील्स करता हूँ। जो लड़कियां अभी इस सीरीज़ को फॉलो कर रही हैं वो लेवल 1 डे 1 से स्टार्ट करेंगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट आज जो हमारा वर्कआउट है, और नई फीमेल्स जो अभी हमें ज्वाइन कर रही हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि नेक्स्ट वर्कआउट हमारी सीरीज़ जो लेवल 1 की आ रही है वो उन फीमेल्स के लिए है जो घर में रह के जिम जाए बगैर अपनी बॉडी टोन करना चाहती हैं, शेपअप करना चाहती हैं। डाइट प्लान, वर्कआउट सारा उनको बताया जाएगा। आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। कीप वॉचिंग। Day 6 सैटरडे नाइट एंजॉय वर्कआउट, एब्स एंड कार्डियो। एब्स एंड कार्डियो और कोई मसल हम ट्रेन नहीं कर रहे हैं, एब्स एंड कार्डियो ट्रेन कर रहे हैं। मतलब कि आपका रेक्टस एब्डोमिनल जो है फोगड़ आपका बाहर निकला हुआ है ना, डी शेप बना हुआ है, उसको ठीक करने के लिए। अगर पूरे वर्कआउट सीरीज में आपने सैटरडे स्किप किया तो आपको मज़ा नहीं आना। जैसे बिरयानी पकती है ना, और बिरयानी को दम देते हैं, दम के बाद सही बिरयानी निकलती है। और जो से चावल हैं वो खड़े खड़े चावल सही बताएंगे। औरतें जो सी है ना वो समझ जाएगी। अभी लड़कियां जो है ना 19-20 साल वाली वो छोटी हैं, उनको समझ नहीं आनी, उनके सोचने वाली बात नहीं है। तो आंटियां, नानियां, दादियां, परदादियों के लिए था ये कि बिरयानी की जो देग होती है उसका जो दम है ना वो ये सब चीज़ होती है। सारी मेहनत आपने पूरा हफ्ता कर ली है, अब है दम की बारी। दम आपने जरूर देना है। हफ्ते को आपने जो लास्ट डे आपका आपने वर्कआउट जरूर करना है। एब्स एंड कार्डियो जिस तरीके से कराऊंगा उसी तरीके से करना है। आज ही मेरे साथ सबसे पहले कमेंट्स में मेरे लिए माशाल्लाह कर देना। और आपने ऐसी बॉडी बिल्कुल नहीं बनानी, ठीक है। लड़कियों के ऐप्स बहुत बुरे लगते हैं। जो लड़कियां ऐप्स के चक्कर में पड़ी हैं वो निकल आए, सिर्फ बॉडी शेपअप कर रहे हैं अभी फिलहाल हम। खैर, जिनको ऐप्स बनाने का शौक है उनके लिए भी अगर कोई चाहेगी तो नीचे कमेंट जरूर करना। उनके लिए भी फिर सोचेंगे वर्कआउट सीरीज बनाने का। तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है अगेन 20-20 रेपिटेशन होंगे ऐप्स के वर्कआउट में। अगर आप 20 से ऊपर जा रही हैं तो गुड है। 100 टोटल आपके रैप्स होने चाहिए। पहले जैसे आपने लेग रेजेस परफॉर्म किए हैं इससे एक दिन पहले, आज आपकी क्योंकि एब्स हैं आपका पॉस्चर कुछ इस तरीके से रहना चाहिए। हाथों को आपने यहाँ रखना है अपनी गर्दन के नीचे, नाइस एंड स्लो। जब पीछे आना है अपने आपने एब्डोमिनल को फुल अंदर करना है, सांस अंदर करना है। फिर 1, 2, 3, 4, 40। ओके, 20 सेट पे आपका पूरा जो सा है एब्स वो ट्रेन होगा। पहले आपके 5 सेट हैं 20-20 रेपिटेशंस के। ब्रीदिंग का ख्याल रखना है जिस तरीके से बता रहा हूँ। वीडियो बार बार देख लेना या इसको सेव कर लेना, वो आप पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे है। आपका ये मैट दोस्त है आज, आपने इधर से उठना ही नहीं है, सो जाना है यहाँ पे। जो आपने पानी पीना है यहाँ पे पीना है, यहाँ से उठ के जाना ही नहीं है। 45 सेकेंड से ज़्यादा का रेस्ट नहीं होगा आपके पूरे वर्कआउट स्केड्यूल में। 45 सेकेंड से ज़्यादा का वर्कआउट आप 45 सेकेंड से ज़्यादा का रेस्ट आपने करना ही नहीं है। किसी एक्सरसाइज में, किसी भी वर्कआउट में 45 सेकेंड से ज़्यादा का आपका रेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम करेंगी तो और अच्छी बात है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी दोबारा से लेग रेजेस है, जो आपने दोबारा परफॉर्म करनी है, जो आपने कल भी परफॉर्म की थी। आपने यहाँ पे हाथ रखने हैं ऐसे अपने L5 पे लुम्बार एरिया में। थोड़ी सी अपनी टांगों को बेंड रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं कर लेना। और अपने पंजे को ऐसे अपनी तरफ करना है, थोड़ा सा बेंड, स्ट्रेच स्ट्रेच, फुल ऊपर आने की कोशिश करनी है। अगर नहीं आया जाता डजंट मैटर। 20-20 रेपिटेशंस टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए आपके 200, ठीक है। अब आपके प्लैंक्स, अगेन प्लैंक्स आपने करने हैं। साइड्स के लिए मैं आपको कोई एक्सरसाइज अभी फिलहाल नहीं करवा रहा, आपने प्लैंक्स ही परफॉर्म करने हैं। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आपकी कोर स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छी है। मुझे कमेंट आया था कोर स्ट्रेंथ के लिए एक्सरसाइज बताएं। देखिए, मैं आपको जो पूरा वर्कआउट सीरीज जो बता रहा हूँ उसमें आपकी कोर स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी ही होगी। तो बस आप ये इसको फॉलो कर लेंगे तो आपको कोर स्ट्रेंथ के लिए अलग से कोई ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है। 30 सेकेंड अपनी बॉडी को थोड़ा सा आगे वेट रखना है। ये 30 सेकेंड डे 1 के लिए बता रहा हूँ और इसको आपने 1-1 मिनट पे लेके जाना है। दो दो मिनट तक लेके जाना है इसको, 2 मिनट से फिर आगे नहीं लेके जाना, 2 मिनट पे आपको स्टॉप हो जाना है। 3 महीने में वैसे ही आपसे 15 से 10 किलो 20 किलो तक इंशाल्लाह ताला कम हो गया होगा अगर आप डाइट फॉलो करेंगी तो। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी हाइपर एक्सटेंशन। इसको किस तरीके से आपने एडजस्ट करना है, यहाँ से आपने इसको एडजस्ट कर लेना है, ये जो आपका बेली बटन है यहाँ तक आपने इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। और ये आपने एडजस्ट लाजमी करना है, नहीं तो आपको इंजरी भी हो सकती है। ये जितनी फ़ायदेमंद गेम है उतनी ही आपके लिए डेंजरस हो जाएगी अगर आप इसको बेली बटन तक एडजस्ट नहीं करेंगे। ये अभी आप स्टार्ट करनी है, ज़्यादा आपने लोड नहीं डालना, कोई प्लेट वगैरह हाथ में नहीं पकड़नी। अगर आप 1-2 साल से ट्रेनिंग कर रही हैं फिर आप प्लेट भी हाथ में हैंग कर सकते हैं, फिर तो आपको ये सारी चीज़ें पता ही होगी। मैं बेसिक उनको बता रहा हूँ जिनको नहीं पता। तो ये आपका पॉस्चर रहेगा, यहाँ पर हाथ रहेंगे, फुल स्ट्रेच फुल स्क्वीज, फुल स्ट्रेच फुल स्क्वीज। मेक श्योर जब आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है आपके ग्लूट्स, आपकी हैमस्ट्रिंग और आपकी जो लोअर बैक है इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है। फुल स्क्वीज, कॉन्ट्रैक्ट, स्क्वीज, फुल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, 15-15 रेपिटेशन है इसके, 15-15 रेपिटेशन 5 सेट करने हैं आपने एप्स की ट्रेनिंग के बाद। इसके बाद आपका कार्डियो है, और कार्डियो आपने किस तरह से करनी है आपको बताता हूँ। तो अब आपकी कार्डियो स्टार्ट हो गई है। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आपने ट्रेडमिल पे रनिंग करनी है, क्योंकि मैं खुद भी प्रेफर करता हूँ हमेशा रनिंग को। अगर रनिंग नहीं है तो आप साइकिलिंग, कुछ भी जो भी आपकी कार्डियो आपके पास मौजूद है आपके जिम में आपके पास पड़ी हुई है, आप वो परफॉर्म कर सकती हैं। टाइम पीरियड इसमें आपका 10 मिनट रहेगा, 10 मिनट से स्टार्ट करना है, एटलीस्ट 30 मिनट पर आपने मैक्सिमम 30 मिनट तक जाना है, 30 मिनट से ज़्यादा नहीं करना। और स्पीड आपकी क्या रहनी चाहिए, स्पीड आपकी आपके पैशन पर डिपेंड करेगी, अच्छी स्पीड से करना है। जिस तरह मैं चल रहा हूँ ऐसे नहीं, क्योंकि मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को समझ ठीक तरह से ना आए। अभी मैं जिस तरीके से दौड़ूंगा वो आपने उस तरीके से देख लेना है कि आप कितना फास्ट भाग सकती हैं। मेरे साथ रेस ना लगाना, क्योंकि मैं इतनी तेज़ नहीं भागता, आप मुझसे तेज़ भाग लेंगे, ठीक है। सो बताने के लिए यही था। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना। नेक्स्ट सीरीज़ आपको ये, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपके लिए आएगी मील्स बाय मील्स, कि आपने क्या खाना है क्या नहीं खाना। इसके बाद हमारा जो वर्कआउट सीरीज आ रही है वो फीमेल्स के लिए आ रही है जो जिम नहीं जा सकती। स्टे नेचुरल, बी हैप्पी।